प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी स्टार्टअप इंडिया इति प्रकल्पस्य पंचवर्ष पूर्वत्यवसरे समायोजितं अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनं प्रारंभं इत्याख्यं संबोधयिष्यति। एशिया महाद्वीपस्य बृहत्तम प्राचीनतम चलचित्र महोत्सव इफ्की अद्य गोवायां प्रारभते। निखिल विश्वस्य भूरि चलचित्राणि प्रदर्शयिष्यन्ते। ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन घोषितवान यत् ब्रिटेन देशे अस्थायी रूपेण कोविड संक्रमणस्य नूतन अज्ञात उपभेदानां संकटं अपाकर्तुं सोमवासरतः सर्वं मार्गीयः यात्रा प्रतिषेधः प्रवर्तयिष्यते। अभिवादये अहमस्मि अनीता अत्र भवतां भवती नांच स्वागतं डीडी न्यूज वार्ता प्रसारणे अस्मिन् अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी अद्य वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इति दृश्य श्रव्य माध्यमेन विश्वस्मिन् अपि विश्वे बृहत्तम कोविड 19 संक्रमणस्य निराकरणस्य कृते सूच्यौषध प्रदान कार्यक्रमस्य शुभारंभं करिष्यति। सूच्यौषध प्रदान कार्यक्रमस्य अभियानमिदं समग्रे अपि देशे प्रवर्तयिष्यते। सूच्यौषध प्रदान अभियानस्य प्रारंभे समेषाम् अपि राज्यानां केन्द्रशासित प्रदेशानां च 600+ मिताने केन्द्राणि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इति दृश्य श्रव्य तंत्रीय माध्यमेन मिथः संयुक्तानि भविष्यन्ति। प्रारंभे सर्वेषु अपि सूच्यौषध वितरण कार्यक्रमस्य केन्द्रेषु प्रायः 100 मितेभ्यः लाभार्थिभ्यः सूच्यौषध प्रदानं करिष्यते। सूच्यौषध प्रदानस्य कार्यक्रमोऽयं आवश्यकताकुलेभ्यः प्राथमिकतायाः वितरणस्य आधारे प्रचालयिष्यते। पाटलनगरे जयपुरे अपि सूच्यौषध प्रदानस्य सज्जताः सम्पूर्णतां गताः सन्ति। राजस्थाने 21 केन्द्रेषु सूच्यौषध प्रदानं विधास्यते। जयपुरस्य स्वास्थ्यकर्मिकाणां कथनमस्ति यत् ते एतदर्थं पूर्णतः समुद्यताः सन्ति। छत्तीसगढ़राज्यस्य राजधान्यां रायपुरनगर्याम् अपि सूच्यौषध वितरणसज्जता सम्पूरिता अस्ति। तत्र हि ऊनशत केन्द्रेषु सूच्यौषध प्रदानकार्यं भविष्यति। ओडिशायामपि भुवनेश्वर मध्ये कैपिटल चिकित्सालये सूच्यौषध प्रदान सज्जता विहिता अस्ति। प्रथमे चरणे स्वास्थ्यकर्मिभ्यः सर्वकारीय क्षेत्रस्य प्रशासनेतारः क्षेत्रस्य कर्मचारिभ्यः समेकित बाल विकास सेवा संबद्ध कार्मिकेभ्यश्च सूच्यौषध प्रदानं विधास्यते। केन्द्रीय स्वास्थ्य मन्त्रिणा हर्षवर्धनेन ह्यः दिल्ल्यां निर्माण भवने कोविड नियंत्रण कक्षस्य सज्जतानां निरीक्षणमपि कृतम्। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कल सुबह 10:30 औपचारिक उसकी शुरुआत भी करेंगे। हमारी पूरी तरह से संपूर्ण तैयारियां हैं सारे देश में। कल हम 3006 स्थानों पर वैक्सीनेशन प्रारंभ करेंगे और इन 3006 स्थानों में लगभग 3 लाख के करीब हमारे हेल्थ वर्कर्स, उनको कल कोविड की वैक्सीन मिलना प्रारंभ होगी। तत्रैव मुंबई मध्य बीएमसी इति निगमेन समग्र सज्जता संपूरिता वर्तते। सबने वैक्सीन लेना चाहिए, लेकिन जो गाइडलाइन गवर्नमेंट तरफ से आई है कि ओल्ड एज 50 के ऊपर के लोग लेंगे, जिसको एलर्जी है उन्हें नहीं देना है, जो प्रेग्नेंट है उन्हें नहीं लेना है, या 18 साल के नीचे बच्चे उनको नहीं देने। प्रधानमन्त्रिणा श्री नरेन्द्र मोदिना अद्य प्रभृति समारभमाणस्य कोविड सूच्यौषध वितरण अभियानस्य विषये ट्वीट सन्देश माध्यमेन प्रोक्तं यत् जनवरी 16 भारते देशव्यापी कोविड सूच्यौषध वितरण अभियानं प्रवर्तयिष्यते। अभियानस्य शुभारम्भः अद्य प्रभाते 10:30 भविष्यति। स्टार
स्टार्टअप इंडिया योजनायाः लक्ष्यं व्यापार उद्यमितायाः क्षेत्रस्य संवर्धनम् अस्ति। अनेन साकमेव आजीविकायाः अवसर प्रदानमपि वर्तते। एतदन्तर्गतं नूतन विचारधारायुताः युवानः संयोजयिष्यन्ते, येन तेभ्यः वृत्तेरवसराः उपलब्धाः भवेयुः। स्टार्टअप इंडिया इत्यभियानस्य पञ्चमवर्ष ग्रन्थेरवसरे अन्ताराष्ट्रिय सम्मेलनस्य प्रारम्भो जातः, यद्धि प्रधानमन्त्री अद्य सम्बोधयिष्यति स्टार्टअप इति कार्यकर्तृभ्यः साकं च सम्भाषयिष्यति। अस्य सम्मेलनस्य आयोजनं स्टार्टअप इंडिया प्रकल्पस्य पञ्चमवर्ष ग्रन्थेरवसरे विधीयते। अस्मिन् शिखर सम्मेलने पञ्चविंशति अपि अधिकानां देशानां द्विशताधिकाः वैश्विक वक्तारः सम्मिलिताः भविष्यन्ति, तथा अस्मिन् उपवेशने चतुर्विंशति सत्राणि आयोजयिष्यते। कृषि परिष्कार विधिम् अवलम्ब्य केन्द्र प्रशासनस्य कृषक संघटनानां च मध्ये नवदिल्ल्यां नवम चरणस्य सम्भाषणम् अभवत्। कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमरः सम्भाषणस्य अनन्तरं पत्रकारकैः साकं प्रावोचत् यत् उपवेशनमिदं परिणाम विरहितमेव अजायत। अमुना प्रोक्तं यत् आगामि सम्भाषणं जनवरी 21 भविष्यति। कृषि मंत्री प्रत्यपादयत् यत् एतत् उपवेशनं सद्भावपूर्ण वातावरणे सम्पन्नम् अभूत्। अमुना अस्मिन् प्रकरणे शीघ्रमेव सर्वसहमत्यस्य आशा व्यक्तीकृता अस्ति। अमुना प्रतिपादितं यत् प्रशासनपक्षतः कृषक संघटनानि समुचित प्रस्तावं सज्जीकर्तुम् एकम् अनौपचारिक समूहं रचयितुं परामृष्टानि सन्ति, येन एतेषु प्रस्तावेषु आगामि समुपवेशनेषु चर्चा सम्भवेत्। असौ शीतलहरस्य स्थितौ अपि आन्दोलन प्रदर्शन रतान् कृषकान् प्रति चिन्ता प्रकटितवान्। उच्चतम न्यायालयेन मंगलवासरे कृषि विधि त्रयम् आगामि आदेश पर्यन्तं स्थगयितुं विनिर्दिष्टितम् आसीत्। न्यायालयेन कृषकाणां समस्याः श्रोतुं प्रशासनस्य सम्मर्शं चावगन्तुम् एकस्याः समितेः संघटनमपि आदिष्टमस्ति। अत्रान्तरे उच्चतम न्यायालय द्वारा रचित चतुः सदस्यीय समितौ सम्मिलितेन एकेन सदस्येन भूपिन्दर सिंह माननेन निज नाम प्रत्यावर्तनं विहितम्। सरकार ने विभिन्न दौरों में किसान यूनियन की जो बातचीत हुई है उसमें बहुत सारी उनकी जो शंकाएं हैं उनको पहचान किया है और उन शंकाओं को दूर करने के लिए अपना मत भी व्यक्त किया है और यूनियंस को लिखित प्रस्ताव भी सरकार की ओर से दिया गया है, लेकिन वो प्रस्ताव उन लोगों को मंजूर नहीं था। इसके कारण वार्ता चल रही है और हमारी कोशिश है कि वार्ता के माध्यम से रास्ता निकले और किसान आंदोलन समाप्त हो। वार्ता प्रसारणे अस्मिन् संप्रति मध्यविरामः, भवन्तः सततं पश्यन्तु डीडी न्यूज़ इति। राष्ट्रीय चलचित्र महोत्सव एषः एशिया महाद्वीपस्य बृहत्तमः च चलचित्र महोत्सव वर्तते। कोरोनायाः कारणात् अयं महोत्सवः हाइब्रिड फार्म इत्यस्मिन् स्थाने भवति। अशेषे हि देशात् 24,200 चलचित्राणां प्रदर्शनं भविष्यति। महोत्सवस्य प्रारम्भः थॉमस विंटरबर्गस्य चलचित्रम् अनदर राउंड इत्यस्य वर्ल्ड प्रीमियर इत्येव भविष्यति। अस्मिन् महोत्सवे केन्द्रितः चित्र निर्माता सत्यजीत रे वर्तते, यस्मिन् तस्य पाथेर पांचाली, चारुलता, सौनारकेला प्रभृतयः चलचित्राणां प्रदर्शनं भविष्यति। अस्य महोत्सवस्य आयोजनं प्रत्येकवर्ष गोवायां भविष्यति। कोविड कारणात् अस्य आयोजने एषमो वर्षे 16 जनवरीतः 24 पर्यन्तं भवति। चलचित्र जगतः प्रेमिणः च गोवां प्राप्य महोत्सवे सम्मिलिताः भविष्यन्ति, तत्रैव आन्लाइन माध्यमेन अपि सम्मिलिता भवितुं शक्यते। सूचना प्रसारण मंत्रिणा जावडेकरेण महोत्सवस्य सूचना अपि प्रदत्ता। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजनायाः तृतीय चरणः देशस्य 600 जनपदेषु प्रारब्धः अस्ति। कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालयस्य नेतृत्वे प्रवर्तमाने अपि चरणे नूतन युगस्य कौशलैः साकमेव कोविड सम्बद्ध कौशलेषु अपि ध्यानं केन्द्रितं करिष्यते। अस्मिन् प्रसंगे कौशल विकास मंत्री डॉ. महेन्द्रनाथ पाण्डेयः कौशल विकास केन्द्रेषु विभिन्न प्रशिक्षणार्थिभिः समं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग माध्यमेन सम्भाषितवान्।
अखिल इंडिया इति अभियानस्य चतुर्थे चरणे प्रवर्तमान वर्षावसरे 49.5 crore rupees व्ययपूर्वकं 8 lakh mitanam जनानां प्रशिक्षणस्य लक्ष्यमस्ति स्थापितम्। ध्यानास्पदं तथ्यमिदं यत् प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 5.5 crore वर्षे स्किल इंडिया इति कौशल भारतमिति कार्यक्रमस्य प्रवर्तनं कृतवान् आसीत्, यस्य उद्देश्यः निखिले विश्वे भारतं कौशलानां मुख्य केन्द्रत्वेन प्रवर्तनम् अस्ति। नारा आप लोगों ने दिया, गूंज उठा कौशल का नारा, आत्मनिर्भर बनेगा देश हमारा, ये बड़ा ही मूल्यवान नारा हमारी सारी टीम ने दिया है। आज इसी नारे को चरितार्थ करने के लिए हम सब PMKY 3 का मिशन बना करके, मिशन वाक्य ध्येय वाक्य से मान करके वर्ल्ड की स्किल कैपिटल बनाने का जो सपना नरेंद्र मोदी जी का है, विश्वप्रिय नेता का, और जो हमारे देश में अपार संभावनाएं हैं उसका सदुपयोग करते हुए हम सब आगे बढ़ सकें। ऐषमः एयरो इंडिया प्रदर्शनी कार्यक्रमस्य सज्जता विषये रक्षामंत्री राजनाथ सिंहः ह्यः एकं समीक्षोपवेशनं व्यदधात्। रक्षामंत्रालयेन एकस्मिन् वक्तव्ये प्रोक्तं यत् ऐषमः एयरो इंडिया कार्यक्रमः फरवरी तृतीयातः पञ्चमे पर्यन्तं व्यावसायिक कार्यक्रमत्वेन समनुष्ठास्यते। त्रिदिवसीय कार्यक्रमोऽयं विश्वसिन्नपि विश्वे एतत् प्राथम्येन आयोजिता हाइब्रिड इत्याख्या प्रदर्शनी भविष्यति, यत्र नैकानि व्यावसायिक तत्वानि सम्मिलितानि भविष्यन्ति। ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन घोषितवान यत् ब्रिटेन देशे अस्थायी रूपेण कोविड संक्रमणस्य नूतन अज्ञात उपभेदानां संकटम अपाकर्तुं सोमवासरतः सर्वमार्गीयः यात्रा प्रतिषेधः प्रवर्तयिष्यते। भारत ऑस्ट्रेलिया देशयोः मध्ये ब्रिस्बेन क्रीडांगणे क्रीड्यमाने चतुर्थे अन्तिमे च निकष द्वन्द्वे द्वितीय दिनस्य प्रथम सत्रस्य क्रीडा समारब्धा अस्ति। आरम्भे ऑस्ट्रेलिया दलं क्रीड्यमानम् अस्ति। वार्ता संस्करणमेतत् सम्पद्यते अधुना। अभिनव वार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। भूयात् तावत् मङ्गलम्।